कानून के और 2008 आते आते इसमें धारा 66A को जोड़ा गया था। तब की सरकार ने कहा था कि हमारे देश में साइबर क्राइम से लड़ने के लिए या उससे निपटने के लिए पर्याप्त कानून नहीं है, तो इस धारा को उसमें जोड़ा गया। इसके आलोचकों ने तब इसके बारे में कहा कि ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका हनन करती है, और हमने देखा कि कई ऐसे मामले भी हुए जब हम किसी राजनीतिक की वजह से हमने उसका प्रयोग होते हुए देखा। लेकिन इसे एकदम से खारिज करना भी न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया फ्री होना चाहिए या लोगों को अपनी अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, तो ऐसे में ज़रूरी है कि उसके इरादे भी सही हो। तो इन सभी विषयों पर आज कार्यक्रम में चर्चा होगी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मान्य स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कर्णिका सेठी जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ में साइबर कानून विशेषज्ञ। मैम आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं विदित बख्शी, निदेशक लूसीडियस टेक, साइबर विशेषज्ञ। सर आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ हैं संजय मिश्रा जी, ब्यूरो चीफ अमर उजाला। सर आपका भी स्वागत है। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। कर्णिका जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आज का हमारा विषय आईटी एक्ट है और अभी जो उच्चतम न्यायालय ने 66A को निरस्त किया है कि वो कहीं ना कहीं जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करती है, तो ऐसे में पहले तो मैं दर्शकों को नजरिए से जानना चाहूंगा आईटी एक्ट है क्या, उसमें 66A क्या था। आईटी एक्ट देखिए एक ऐसी लेजिस्लेशन बनाई गई है जिसमें कि आईटी के स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, क्या क्राइम्स को लेकर के कौन से एक्ट्स ऑफेंसेस माने जाते हैं और उसके लिए क्या पनिशमेंट्स हैं, वो भी उसमें दिया गया है। आईटी एक्ट सिर्फ यही नहीं है, उसके अंदर और भी जैसे क्या पैराफर्नेलिया रहेगा, क्या मतलब अगर जैसे सिविल रेमेडी है या क्रिमिनल रेमेडी है तो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कौन अथॉरिटीज हैं, वो सब भी बताया गया है। डिजिटल सिग्नेचर इंट्रोड्यूस हुआ है, आज की डेट में ई फाइलिंग होती है हर जगह, सरकारी दफ्तरों में भी ये यूज होता है, तो उसमें कौन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है और कौन कंट्रोलर रहेगा, ये सब प्रोविजंस भी हैं। तो आईटी एक्ट एक लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, जैसे आपके पेपर या हैंड रिटन सिग्नेचर्स हुए पेपर्स हों उनको भी उतना ही दर्जा दिया जाए, एक तो वो ही एक मेन मकसद था। और फिर जो इम्पॉर्टेंट मतलब अमेंडमेंट्स जैसे कहते हैं सुधार चाहिए दूसरे कानून में भी, उसको लाने के लिए भी करा गया था आईटी एक्ट को इनैक्ट। और इसके अलावा ई फाइलिंग को भी, ये तीन चीज़ें हैं जो प्रमोट करने के लिए प्रियम्बल में भी ये दिया गया है आईटी एक्ट का मेन पर्पस। और जहां तक क्राइम्स का लेके है क्वेश्चन, तो सेक्शन 66A जो है जो क्राइम है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइम्स में ऐड किया गया उसको सेक्शन को, जिसमें कि ऑफेंसिव मटेरियल, कोई भी ऑफेंसिव या मिनेसिंग मटेरियल सर्कुलेट ना हो इंटरनेट पे, और उसके लिए पनिशमेंट है 3 साल की सजा तक की और फाइन भी। लेकिन ये एक कॉग्निजेबल था ऑफेंस भी था, बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए ठहराया गया है क्योंकि वो बहुत वेग था, बहुत एम्बिगुअस जिसको कह सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद ये समझ नहीं आता था कि उसमें ऑब्जेक्टिवली कैसे डिसीजन ले सकें, क्योंकि उसके ऐसे पैरामीटर्स ऐसे टर्म्स थे जो कि डिफाइंड भी नहीं थे। अगर हम कहें कि कुछ ऑफेंसिव है, आपको वो ऑफेंसिव लगता है, दूसरे को वो नहीं लगता है, अगर आप कहें कि हार्मफुल है या अगर आप कहें इंसल्टिंग है, किसी को एक जोक इंसल्टिंग भी लग सकता है, किसी को एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना लग सकता है, तो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं या वो उस दायरे को एक्सीड करके इलीगल एक्ट कर रहे हैं, उसको पैरामीटर डिसाइड करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव रीजनेबल टेस्ट या पैरामीटर नहीं था, जो कि हमारे आईपीसी में है। अगर आप आईपीसी को देखेंगे तो एक मर्डर क्या होता है, एक अगर रेप है तो रेप किस चीज़ को कहलाया जाता है, डिफेमेशन है तो कौन से एक्ट्स डिफेमेशन होते हैं और कौन से एक्ट्स एक्सेप्शंस में माने जाते हैं, तो वो उस तरह की क्लैरिटी वो नहीं थी उसमें, तो इस वजह से ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाया गया। और कहा भी जाता है कि सही और गलत में एक बड़ी महीन सी लाइन होती है, ऐसे में कोई चीज़ किसके लिए सही है और किसके लिए गलत, इसे बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। और कर्णिका जी, इस सवाल को हम इस तरह से समझे, जिस वाक्य का उन्होंने जिक्र किया, हमने देखा जब उत्तर पूर्वी राज्यों में खास तरह के दो समुदायों के बीच में तनाव हुए थे, तो उसका हमने देखा कि दक्षिण के बेंगलोर तक में उसका असर देखने को मिला। कुछ लोगों ने बदमाशी करके बर्मा में कुछ जो दंगे हुए थे उसकी तस्वीरें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से जोड़ के दिखाई, और उसका खामियाजा हमने ये देखा कि भारत के अलग अलग शहरों में उत्तर पूर्व के लोगों को या तो घर छोड़ना पड़ा या बड़ी असुरक्षा की भावना रही। ऐसे में एकदम से खारिज कर देना जैसे 66A को, ब्लॉकिंग जैसे, तो ऐसे में वो एक जो हो सकता है इसकी एक बहुसंख्यक जो आबादी है वो इससे अपने अभिव्यक्त करने की आज़ादी रखता है, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं उनको फिर कैसे काबू किया जाएगा।
देखिए इंटरनेट एक बॉर्डरलेस मीडिया है और एक ऐसा यूनिक मीडिया है जिसका कंपैरिजन शायद प्रिंट मीडिया या और किसी पर्टिकुलर मीडिया से नहीं किया जा सकता। ये बात इवन अगर आप 66A वाली ये जो जजमेंट की आप पढ़ेंगे उसे ध्यान से पढ़ने पे यही बात सामने आती है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ एक्नॉलेज करा है, उसे अप्रिशिएट किया है कि एक डिफरेंट तरीके का ही मीडियम है जिसको एक डिफरेंट सेट ऑफ लॉज चाहिए, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स जैसे वीडियो वायरल हो जाना, कोई भी सर्विस ले लो, कितनी फास्ट रीच होना, कितने बड़े ऑडियंस तक पहुंचना, और उसमें चाहे लिटरेट हो या इलिटरेट हो एक क्लिक की जरूरत है। तो उस चीज को समझते हुए ये एक मीडियम बहुत यूनिक है, इस वजह से उसके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स हैं जिसको एक, या प्रॉब्लम्स एमिनेट होती हैं जिससे जिसको आपको डील करने के लिए एक स्पेशल लॉ की जरूरत है। मेरे हिसाब से अगर 66A हटा भी है आज की डेट में तो एक नया प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी, बट हाँ जो वो प्रोविजन होगा वो प्रोविजन इतना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिससे कोई भी पर्सन उसे मिसयूज कर नहीं सके, जिसे बहुत ही क्लियर पैरामीटर्स हों। जब हम कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ बात हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, चाहे आप यूएसए ले लीजिए चाहे वो इंडिया ले लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर कंट्री अपहोल्ड करना चाहता है और भारत ने भी किया है। तो इस वजह से ये जो पर्टिकुलर अगर हम रिस्ट्रेंट लगाएंगे, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 192 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध की बात कही गई है, उन्हीं के अंदर आप लगा सकते हैं, चाहे वो पब्लिक डिसेंसी कह लीजिए, मोरालिटी कह लीजिए, उसे इंटेग्रिटी ऑफ नेशन को बचाने के लिए, या फ्रेंडली रिलेशन विद स्टेट्स, डिफेमेशन ना हो, इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ना हो, ये सब कुछ ऐसे दिए हुए हैं उसमें ग्राउंड जिनके बेसिस पे ही हो सकता है। 19(2) में तक संगत प्रतिबंध की बात कही गई है कि जहां जरूरी हो व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को नुकसान। हमारे पिछले कॉलर का फोन आया था, उन्होंने 66A के मिसयूज के बारे में पूछा था। जी देखिए जो 66A है उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोविजन थे जो शायद आईपीसी में नहीं है। अब एंटी स्पैमिंग, स्पैमिंग जो एक ऐसी चीज़ है, नेट पे अगर अनसॉलिसिटेड मेल्स किसी भी इनबॉक्स में फ्लडिंग करी जाए या किसी को भी स्पैम मेल भेजा जाए, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के लिए हो या किसी को पर्सनली तंग करने के लिए हो या डिफेम करने के लिए हो, वो एक पर्टिकुलर प्रोविजन, एक न्यू प्रोविजन था जो आईपीसी में नहीं है। तो अब वो देखा जाएगा कि एक पर्टिकुलर एक्ट को हम किसी और प्रोविजन में ले सकेंगे या नहीं, क्योंकि आईपीसी के अंदर और भी हैं सेक्शंस, जैसे अगर किसी को स्पेशली परेशान करने के लिए है या थ्रेटन करने के लिए है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन लग सके, या और कोई पर्टिकुलर सेक्शन हो सकता है, डिफेमेशन हो सकता है अगर किसी को डिफेम करने के लिए किया है, किसी वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज करने के लिए है तो 509 लग जाएगा आईपीसी का। तो वो डिपेंड करेगा कि पर्टिकुलर फैक्ट्स में क्या कोई आईपीसी का सेक्शन लगेगा या नहीं, बट हाँ अगर स्पैमिंग को लेके स्पेसिफिकली तो वहाँ वो लॉ एब्सेंट है इस टाइम, तो मिसयूज हो सकता है। एक और छोटी क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूंगी कि 66A का चले जाना का ये मतलब नहीं है कि सारे कुछ भी कर लीजिए लीगल नहीं होगा, लीगल ही होगा, क्योंकि आईपीसी अभी भी है। तो वो जो लॉ उस टाइम आईपीसी के अंदर दिया गया है कि थ्रेटन नहीं करना है, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, एक्सटॉर्शन नहीं कर सकते, डिफेमेशन नहीं कर सकते, वुमेन को इंसल्ट नहीं कर सकते, वो सारे कानून अभी भी हैं। तो उसको आप करते हैं, साथ में मोबाइल आज हम देख रहे हैं, मोबाइल की वजह से हम देखते हैं कि ये सबके हाथ में पहुंच गया है। अब उसका दायरा कितना है, इंटरनेट का इस्तेमाल जो शोध करता है वो शोध के लिए भी करते हैं और चीज़ को माध्यम के लिए भी होता है। हम देख रहे हैं उसका जो ज़्यादातर समाज के सभी तबकों में गया है उसमें हम देखते हैं मोबाइल सबके हाथ में आ गया, उसमें इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं। आज वाईफाई फ्री हर पॉलिटिकल पार्टी का नारा भी एक तरह से हो गया है। अब उसमें हम देखते हैं अश्लील सामग्री भी बांटी जाती है, कईयों को ये पता भी नहीं होता कि ये ऑफेंस होता है। 66A के बारे में कम से कम इतना लोगों को डर होता था कि मैंने किसी को दे दिया और आज तो दोस्ती है, कल जाकर अगर लड़ाई हो गई। कल बात को लेके दो चीजें कहना चाहूंगी, एक तो कन्वर्जेंस, आज की डेट में आप देखिए डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया टीवी ले लीजिए आप, चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लीजिए, सारी जो मोबाइल फोन्स ट्राई गवर्न करता है वो बॉडी, ठीक है, आप सब चीजों को ले लीजिए। कन्वर्जेंस इस टाइम पे इतनी जरूरत है कन्वर्जेंस लॉ की इंडिया में कि मुझे लगता है कि एक अथॉरिटी अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट्स को संभाल रही है, जैसे आपका प्रिंट मीडिया अलग हो गया, एडवर्टाइजिंग के नॉर्म्स अलग हो गए। आज अगर एक SMS 100 SMS से ज्यादा SMS करना अगर बैन करा जाता है, ट्राई अथॉरिटी करती है, तो सेम मिसयूज उस चीज का क्या हो रहा है कि वो लोग इंटरनेट पे जाके SMS कर रहे हैं। तो कोई मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक अलाइनमेंट चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हर एक चीज एक हैंडफोन में है आज की डेट। बिल्कुल, मैं आऊंगा इसी पे। एक और चीज कहना चाहूंगी कन्वर्जेंस के अलावा, नेटिकेट जो अभी बात चल रही थी कि नेटिकेट नहीं है इस टाइम, जिसे कहते हैं कि एथिक्स,
जो एथिक्स हम अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं, बच्चे, टीनेजर्स, एडल्ट्स भी कुछ हद तक उस चीज को नहीं समझते कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए, सोचते हैं कि वो एक अलग एंटिटी हो गए या एक अलग पर्सोना हो गए. वो अपने आप को एक अलूफ बिल्कुल सोचते हैं कि अनोनिमिटी नेट पे जरूर है, बट आप ये मत भूलिए कि उसके ट्रैकिंग भी की जा सकती है. आईपी एड्रेस कितना मर्जी स्पूफ कर लीजिए, कुछ हद तक आप ट्रेसेस भी छोड़ जाते हैं. जैसे एक चोर चोरी करके कुछ ना कुछ ट्रेस छोड़ता है, आईपी एड्रेस के बावजूद चाहे आप जितना भी सर्कमवेंशन करिए, कुछ हद तक आपको फुटप्रिंट और है. सिर्फ पोस्ट करना ही नहीं, पब्लिश करना, आगे ट्रांसमिट करना. क्योंकि क्या होता है कि कोई बिना जाने इलीगल इन्फॉर्मेशन को भेज देता है और या अपलोड कर देता है, अपलोडिंग के बाद फ्रेंड सर्कल में वो वायरल चल रहा है, वो एक भेजे जा रहे हैं. लेकिन देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जैसे हम कहते हैं. तो हमें ये कानून को जानना जरूरी है कि सिर्फ पोस्ट करने वाले को ही नहीं, जब बल्कि जो जो भी पब्लिश उसे करेगा या फॉरवर्ड करेगा वो भी इक्वली कानून में इलीगल माना जाएगा. आप वकील हैं, दर्शकों की नजर से आप ये क्लियर कर दें कि अब भी इस कानून में अगर इस तरह की चीज होती है तो किस तरह से वो फंस सकते हैं. बिल्कुल, जैसे अगर हम कोई कह लीजिए, अगर कोई किसी ने ऑब्सीन कंटेंट भेज दिया या फॉरवर्ड कर दिया, पब्लिश कर दिया, ठीक है, तो ये सब चीजें अभी भी कानून के हिसाब से, आईटी एक्ट के हिसाब से इलीगल हैं. तो अगर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाती है किसी साइट पे और वहां से वो और ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, तो जो है आईटी एक्ट के सेक्शंस लग सकते हैं. अगर वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है तो सेक्शन 67A है, ऑब्सीन इमेज है तो 67 है. और अगर किसी की प्राइवेसी ब्रीच करी गई है और उसका कोई पर्टिकुलर, जैसे कह सकते हैं, अश्लील वीडियो ले लिया गया है बिना उस पर्सन की कंसेंट के, तो वो 66E में कवर हो जाएगा. तो कुछ हद तक आप देखेंगे ये सारे प्रोविजंस हैं अभी भी, और आप ये मतलब कोई जनरल पब्लिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी भेजा जा सकता है. शिकायत साधारण थाने में की जा सकती है. और देखिए, जो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास अभी भी पावर है ब्लॉकिंग की, जैसे आपने आसाम यूट्यूब रॉयट्स हुए थे तो यूट्यूब की वीडियोस ब्लॉक हुई थी, तो ब्लॉकिंग की पावर भी है. और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगी, अगर विक्टिम है तो वो अगर उस किसी पर्टिकुलर पेज से परेशान है या पर्टिकुलर SMS से या ईमेल से परेशान है, तो वो भी सर्विस प्रोवाइडर को लिख सकता है और 36 घंटे के अंदर अंदर आईटी एक्ट के हिसाब से उसे हटाना चाहिए. अगर वो नहीं हटाते तो कोर्ट से इंजंक्शन लिया जा सकता है. तो ये सब कानून अभी भी है. ऐसे ये गलत फहमी है कि आईटी एक्ट ही चला गया है. हमारे लास्ट कॉलर थे, उनका जो फोन आया था और उन्होंने बताया कि फेसबुक उनका खास अपना जो था कि किस तरह से फेसबुक या व्हाट्सएप या और जो सोशल मीडिया के मंच मौजूद हैं उस पे लोग उन्होंने दलित महापुरुषों, देवी देवताओं के बारे में लगा के लोग उपहास उड़ाते हैं, उनके बारे में गलत भाषा का प्रयोग करते हैं. इसको मैं और अगर जोड़ दूं तो किसी की भी आस्था को चोट करते हुए या किसी धार्मिक भावना या जातिवादी भावना या क्षेत्रीय भावना को जब हम ठेस पहुंचाते हैं, तो ये कानून क्या कहता है आईटी एक्ट? कानून ये साफ साफ कहता है कि ये पर्टिकुलर एक्ट, जैसे किसी को डिफेम करना, किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, ये सब इलीगल है. और अगर आप IPC में भी देखेंगे तो बहुत क्लियरली सेक्शन 500 डिफेमेशन को लेके है. और इस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर क्रिमिनल कंप्लेंट भी लगाई जा सकती है और सिविल रेमेडी भी होता है, कॉम्पनसेशन भी क्लेम किया जा सकता है, कोर्ट से एक ऑर्डर लिया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पेजेस को ब्लॉक किया जाए, ये ना दिखाए जाएं क्योंकि ये इलीगल हैं, और वेबसाइट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको लाइबल भी बनाया जा सकता है. इसमें मैं इसे जोड़ना चाहूंगा, जब ये 66A था तो हमें ये पता था कि ये जो फेसबुक पे जो आप कह रही हैं वो वेबसाइट वगैरह पे हो सकता है, लंबे समय के लिए है. फेसबुक या ट्विटर या व्हाट्सएप पे जो अल्पकालिक है, लोग तुरंत ही तुरंत भावावेश में कर देते हैं, ऐसे में आया तो हमें पता था कि हमें ये हमारी भावनाएं आहत हुई, हम थाने गए, हमने कंप्लेन करी और उस पर कोई एक्शन होता है. अब अगर ऐसा कुछ होता है, जिसमें सवाल है दर्शक का शायद, कि अब अगर ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, तो ऐसे में क्या संरक्षण अब आईटी एक्ट में उनके लिए क्या मौजूद है? संरक्षण ऐसा है क्योंकि आईपीसी अभी भी है और आईटी एक्ट भी ये कहता है कि सेक्शन 79 अगर आप देखेंगे उसमें ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स या जो वेबसाइट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आप ट्विटर भी ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक ले लीजिए या आप व्हाट्सएप ले लीजिए, ये सब कब एग्जेम्प्टेड होंगे लाइबिलिटी से, ये वो ये कहता है. तो लाइबिलिटी तो रहेगी अगर वो मतलब जानबूझ के उसे फिर भी पब्लिश किए जा रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब उनको एक्चुअल नोटिस मिल गया कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके इस तरह के अश्लील या कोई किसी को डिफेम करता हुआ
कोई पेज लगाया गया है या कुछ मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेवारी बन जाती है उसे ब्लॉक करना। अगर वो नहीं करते तो वो कोर्ट में भी ले जाए जा सकते हैं और क्रिमिनल कंप्लेंट भी करेंगे। एक जानकारी और देना चाहूंगी श्रोताओं को कि ये पर्टिकुलर जो हमारे वेबसाइट्स हैं, जो भी वेबसाइट है उनको एक जरूरी हो गया है अब से एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना, जो कि आज की डेट में कई लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पर भी लिख करके और अपनी कंप्लेंट रिजॉल्व हो सकती है बिना कोर्ट में जाए या बिना पुलिस के पास जाए। क्या पता आप एकदम कोई विक्टिम है वो लिखे पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर उस पर्टिकुलर वेबसाइट सर्विस का को और वो उस चीज को लेकर के इमीडिएटली उसे रिजॉल्व करे। जो मैंने आपको 36 घंटे का बोला है टाइम लिमिट होता है तो वो इसके लिए भी होता है कि वो प्रॉम्प्टली उस चीज को रिजॉल्व कर सके। अगर अपने लेवल पे ही हो जाती है तो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है उस चीज को होना। लेकिन एक और चीज है, अगर कोई विदेश में है सर्वर बाहर है और उनसे कोऑपरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जीमेल को ले लीजिए आप, फेसबुक ले लीजिए, सब ये सारे इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्वर है ये सब बाहर बेस्ड हैं, तो कितना टाइम गैप रहता है या कितनी जल्दी एक्शन होता है उसका एक चैलेंज जरूर है। क्योंकि हाँ, हम देखते हैं कि काफी बारी कोऑपरेशन मिलती भी है पर काफी बार नहीं भी मिलती है, तो इस लॉ को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि अगर उन लोगों को हमारे देश से में आके बिजनेस करना है तो हमें हमारे लॉ को भी अबाइड करें, हमारे से कोऑपरेट करें, जब कोई कंप्लेंट आए उसे इमीडिएटली रिजोल्व किए जाए। खटका जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आपने 36 घंटे का जिक्र किया कि वो हटा लें। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि पहले कहा जाता था कि जो दंगे है या विद्वेश होता था जिसमें जाने जाती थी तो उस समय पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद नहीं थी या फिर इस तरह के तकनीकी जो साधन थे वो ज़्यादा मौजूद नहीं थे, तो उसकी वजह से वो इतने हाईलाइट नहीं होते थे, इसलिए फैल जाते थे। अब हमने देखा है कि इसके होने से हो सकता है सरकारी अमला या पे दबाव बनता हो, लेकिन इसको हमने देखा है कि 2 मिनट के अंदर जो हमारे पास फेसबुक व्हाट्सअप इन पर वीडियो ऐसे वायरल हो जाते हैं, और अगर हम 36 घंटे या थोड़े समय का ज्यादा प्रतीक्षा करें तो वो और भी ज्यादा भयावह रूप ले लेता है। ऐसे में इसीलिए क्रिमिनल कंप्लेंट कर देनी चाहिए, अगर कोई सीरियस ही केस है तो उसकी क्रिमिनल कंप्लेंट हो जानी चाहिए, ताकि एकदम अगर मैसेज पुलिस के हेडक्वार्टर से जाता है या पुलिस की कार्रवाई के थ्रू जाता है तो फिर उस पर इमीडिएट एक्शन होता है। तो ये पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर्स उसको बहुत सीरियसली लेंगे और उस चीज पे इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिमिनल कंप्लेंट तो होनी ही चाहिए, साथ साथ आप खुद भी वो लिख सकते हैं वेबसाइट को अगर वो कोई जवाब पाते हैं उस चीज हिसाब से, कि जैसे आईटी एक्ट में और भी कौन कौन सी ऐसी धाराएं मौजूद हैं जो है वो इस कानून को बचाती हैं। अब देखिए, अगर आप क्राइम्स को देखेंगे तो क्राइम्स को लेकर के और भी बहुत तरीके के क्राइम्स हैं, जैसे हम अभी ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे उसकी जो धाराएं हैं अभी भी इंटैक्ट हैं। अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ले लीजिए, वो एक बहुत ही बड़ा क्राइम है जो कि पूरे विश्व में ही एक क्राइम माना जाता है, उसकी धारा पहले नहीं थी जो इंट्रोड्यूस हुई 2008 में, वो भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कोई उसमें और उतना ही इफेक्टिव है। और भी ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे आप सेक्शन 66 ले लीजिए, हैकिंग कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, जिसमें आप किसी का कंप्यूटर अनऑथराइजडली एक्सेस करते हैं, कोई भी अकाउंट लेते हैं और उसमें कुछ डेटा को डैमेज करते हैं, और उस चीज़ को लेकर भी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी वो सेक्शन अप्लाई करता है। किसी कंप्यूटर सोर्स कोड किसी का चोरी करना या आइडेंटिटी थेफ्ट, चीटिंग बाय पर्सनेशन जिसको कहते हैं, और भी ऐसे सेक्शंस डाले हुए हैं अभी आईटी एक्ट में जो कि बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है और इस टाइम पे वो कम्प्लीटली लीगल हैं। सो देर इज़ नथिंग, जो एक माइंड में माइंडसेट में एक पर्टिकुलर वो जैसे कह सकते हैं कि गलत फहमी है कि ये आईटी एक्ट में पूरा आईटी एक्ट ही गया है, वो गलत है। तो उसमें और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, अगर किसी जैसे हमारा प्रोटेक्टेड सिस्टम्स है, इंडिया एक क्रिटिकल प्रोटेक्टेड सिस्टम्स भी हैं, उसको कोई डैमेज करता है या कोई साइबर टेररिज्म को लेकर भी एक सेक्शन है, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा है। तो ये सारे सेक्शंस अभी हैं, ऐसा नहीं है कि ये चले गए। तमाम तरह की तीन चीजें इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी जो श्रोता को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो ये कि जब भी कोई अटैचमेंट आप खोलें या आप कोई भी पर्टिकुलर मेल को खोलते हैं या कोई भी मैसेज खोलते हैं या डाउनलोड करते हैं कोई ई बुक या कोई फाइल,
तो उसे एंटीवायरस चेक जरूर करिए बिफोर लोडिंग। एंड दूसरी चीज ये कि जब भी कोई सर्विस यूज करते हैं नेट पे जाके तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़िए। ऑल्दो वो लेंदी होती है, कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन उसके बहुत मायने रखता है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट कर रहे हैं आपसे और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ लेके जाएंगे, तो ये चीज़ का ध्यान रखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है ना, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए अपने एक्शंस को पॉजिटिव रखते हुए कभी कोई नेगेटिव एक्शन इमोशन अपने एक्सप्रेशन में नेट पे ना दे तो बेटर है। बिल्कुल।